Hi guys, this is Vandana Sada and today I'm going to put some light on a very important topic, which is self-analysis. Since this is my first video, so I'm going to introduce myself. I am a chartered accountant by profession and I'm from Assam. Since my CA background se rahi hu, failure has been a very important part of my life. Chaukiye mat, failure actually bahut important hota hai. Agar hum usko sahi tarike se analyze kare to, failure se hum bahut kuch seekhte hain. तो हमें फेलियर से डर के हार मान के बैठना नहीं चाहिए, रादर हमें उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए. सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, व्हाट इज सेल्फ एनालिसिस और ये क्यों ज़रूरी है. वैसे तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमेशा ऑब्जर्व करते रहने की, एनालाइज करने की, बट हमेशा ये चीज़ हम दूसरों पर करते रहते हैं. दूसरों की मिस्टेक्स, दूसरों के बिहेवियर्स, उनकी लाइफस्टाइल, वो क्या करते हैं क्या नहीं, हम अपना सारा टाइम उसी में निकाल देते हैं और अपने जो सबसे प्रीसियस टाइम होता है वो उसमें वेस्ट कर देते हैं. उनकी सक्सेस से जलना, फेलियर पे हंसना, बट क्या ये चीज़ हम कभी खुद पे ट्राई करते हैं? हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, मेरे क्या वीकनेसेस है, मेरा क्या टैलेंट है, मैं कभी उस पर क्यों नहीं फोकस करती? हम क्यों नहीं अपने टैलेंट को एनालाइज करते हैं और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? हम कभी खुद को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, बस आराम से दूसरों के बारे में सोच लिया, बैठ लिया, हो गया. क्या यही लाइफ है? मतलब ऐसा नहीं लगता कभी कि मैं खुद कुछ करूं, मेरा नाम हो, क्यों ना दूसरों के बारे में सोचना छोड़ के मैं अपने लिए कुछ करूं, मैं अपना टैलेंट देखूं, मैं कैसे उसे इम्प्रूव करूं. अभी देखो आजकल बहुत सारे सोर्सेज है और ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट तो ज़रूर होता है. और अभी रिसोर्सेज इतने हैं ना कि अगर आप सोचते हो ना कि मैं नहीं कर सकती, देन माय डियर यू आर फूलिंग योरसेल्फ. एक्चुअली हम सब इतने बड़े फूल होते हैं ना, हम मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को स्टूपिड बनाते रहते हैं, स्टूपिड बहाने देते रहते हैं. मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, दिन भर बहाने देते हैं और अपने फेलियर को कवर अप करते हैं और कुछ नहीं. मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाना, मतलब सीरियसली एक इंसान खुद ही खुद को बेवकूफ़ बना सकता है और दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मजाक मस्ती कर लिया, बस हो गया. ये लाइफ नहीं है. मतलब आजकल लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम इतना दूसरों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी से मोटिवेट होके मतलब ट्राई करना चाहिए. और वो ज़माना गया जब पढ़ाई ही सब कुछ थी. आजकल हर स्कोप में, हर फील्ड में बहुत सारा स्कोप है. मतलब आपके अंदर कोई भी टैलेंट है ना, तो आप उससे आगे बढ़ सकते हो. हम देखते हैं ना, मतलब कितने एग्जांपल्स हमारे सामने हैं. अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो, एक क्लासरूम में एक बच्चा फर्स्ट आता है और हमारा कुछ भी रैंक हो, मतलब फर्स्ट नहीं आ रहे हैं कोई भी रैंक हो, तो ऐसा क्योंकि वो कर सकता है हम नहीं कर सकते? हम एबनॉर्मल है क्या? नहीं है ना. जैसा वो है वैसा ही हम है. कोई भी फील्ड में ले लो, नॉट ओनली पढ़ाई, किसी भी चीज़ में कोई है बहुत आगे है, कोई हम बहुत पीछे रह गए, हम कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? मतलब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो ट्राई करता है और हम ट्राई नहीं करते, बस ये इतना सा डिफरेंस है. तो क्यों ना हम अपने आप के लिए कुछ करें, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ के अपने बारे में सोचें, अपने आप को टाइम दें, खुद को एनालाइज करें कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है लाइफ में. मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई एम ही नहीं होता है, फिर आपके मतलब कुछ सालों बाद रिग्रेट करेंगे, यार मैंने अपना इतना प्रीसियस टाइम तो वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में. जस्ट इमेजिन आज के इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ सालों बाद जब हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ अचीव कर चुका होगा, आपको वियर्ड नहीं लगेगा, शर्म नहीं आएगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया अपने लाइफ में? आएगी ना. तो ये टाइम मत जाने दो, इसको यूटिलाइज करो, अभी ही कुछ करो और कुछ भी टैलेंट रहने दो, उसको आगे लेके जाओ, एटलीस्ट ट्राई करो, रुको मत. कोशिश करते रहोगे तो कभी भी हार नहीं होगी. अब मैं फेल हुई, मैं जब फेल हुई थी ना सीए में, मेरे ऑलमोस्ट सब फ्रेंड पास हुए थे, बट एक चीज़ मैंने श्योर थी, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं फेलियर से डर के नहीं बैठूंगी. मुझे पता है वो मेरी ही मिस्टेक थी. मैं चाहती तो मैं अपने लक को ब्लेम कर सकती थी, कुछ भी ब्ला 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 बोल के अपने आप को कन्विंस करके मैं बैठ सकती थी. करते हैं ना हम लोग, क्या फ़ायदा होता है उससे? एक बार फेल होने से कोई बड़ी बात नहीं है. होते हैं लोग, कोई उसको याद नहीं रखेगा, अल्टीमेट याद रहेगा आपका सक्सेस कि उसने ये किया.
मतलब जस्ट इमेजिन कितना अच्छा लगेगा जब लोग आपकी एग्जांपल देंगे कि यार उसको देखो कितना टैलेंटेड है वो, उसने क्या किया है, उसने कितना कुछ अचीव किया, उसने कितना नाम किया है, सोच के ही कितना अच्छा लगता है। सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो आप ज़रूर सक्सेस अचीव कर पाओगे। और आपको करना है, जब तक आपके मन में बहाने आते रहते हैं ना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या कोई भी बहाना जो आप अपने अपने फेलियर को कवर अप करते हो, तो आप समझ लेना आप एक्चुअली उतने मोटिवेटेड हो ही नहीं, या आप करना ही नहीं चाहते। बिकॉज आई बिलीव एक्चुअली आप जब सच में कुछ करना चाहोगे ना, तो आप कैसे भी अचीव करके ही रहोगे। और सेल्फ एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ हमें अपना टैलेंट पहचानने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने वीक पॉइंट्स ही पहचानना बहुत ज़रूरी है। सी अनलेस यू नो योर वीकनेसेस, तुम वर्क किस पे करोगे? और हम अपनी वीक, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वीकनेसेस सब में होते हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपने वीक पॉइंट्स पहचानो, उन पे वर्क करो, उन्हें सुधारो और आगे बढ़ो। सो गाइज, बहुत बार क्या होता है, हम सेल्फ एनालिसिस कर भी लेते हैं, हम पहचान भी लेते हैं कि हमारा टैलेंट क्या है, और हमें सब पता भी होता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ, बट ये थॉट्स ही बन के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, खुद का टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको साइड में रखते हैं और दूसरों को देखने लगते हैं, अरे यार वो तो इस फील्ड में ऑलरेडी कितना आगे है, अरे उसने तो ऑलरेडी कितना अचीव कर लिया है, इस फील्ड में तो इतना सारा कॉम्पिटिशन है। यस, कॉम्पिटिशन हमें बहुत बार डरा देता है, बट ठीक है ना, उन सबका भी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा है। कॉम्पिटिशन से डरना क्यों है? अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, आप ट्राई तो करो, और ट्राई करोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाओगे, आइडियाज़ अपने आप आते रहेंगे। ऐसे बैठ के रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ट्राई करोगे, आइडियाज़ अपने आप आएगी और आप आगे बढ़ोगे, फॉर श्योर बढ़ोगे। उन सब ने भी तो कभी ना कभी स्टार्ट किया रहेगा ना, उन सब का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, बट वो तो डर के बैठे नहीं, तो हम क्यों डर के बैठे हैं? और ऐसे भी ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी उसमें आपको कुछ अचीव नहीं हो रहा है, तो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? तो अगर ठीक है सक्सेस हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप माइनस में, नेगेटिव में नहीं जा रहे, जहाँ हो वहीं रहोगे, उससे नीचे तो नहीं जाओगे ना। तो कंपटीशन से डरना नहीं है, उल्टा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं उन सबसे आगे जाऊंगी, और आप एक्चुअली जाओगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है प्लस टैलेंट है और आपने ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली ना, अब फॉर श्योर कुछ ना कुछ करोगे आगे। सो गाइज, इट्स हाई टाइम आप अपने वैल्यूबल टाइम और टैलेंट को वेस्ट मत करो, कॉम्पिटिशन से डर के बैठो मत। अगर आप ही अपने टैलेंट की वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे क्या करेंगे, फिर लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना। एट लास्ट आई एम गोना एंड विद अ कोट जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है थ्रू आउट माई जर्नी। देखने लायक इस जहाँ में है चीज़ें बहुत सी, देखने लायक इस जहाँ में है चीज़ें बहुत सी, पर गौर से देखना फुर्सत में, पर गौर से देखना फुर्सत में एक दफ़ा कभी खुद को भी। थैंक यू। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना शेयर सम टिप्स एंड मंत्रास ऑफ सक्सेस इन व्हाटएवर यू डू, सो कीप कनेक्टेड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।